क्या है? अरे आप भूल गई, आप भूल गई इस वक्त हमारी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट। आप भूल गई हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट। स्पीकर मैं तो नेक्स्ट टाइम टिकट लग कर गई। इट्स ओके इश्ना। फाइव टाइम्स गेट कर जाओ। हैव अ ग्रेट डे। संजय बेसिकली रूही कम्स टू मी एंड शी सेज़ कि नहीं मैं रूही को रेडी कर रही हूँ एंड रूही अचानक से कहती है कि उसको प्रैक्टिस करना है उसके स्पोर्ट्स डे के लिए एंड आई गेट वरिड क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है स्कूल में जितना कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में रही तो मैं टेंशन भी इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करूँगी और अगर मेरे कारण वो हार गई तो आई विल फील रियली बैड एंड इसीलिए आई एम स्लाइटली वरिड बट देन मेरा बच्चा महान सो शी टेल्स मी कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस करने के बाद हम जीतेंगे तो इस स्पोर्ट्स डे के लिए रमन की कोई हेल्प लेने वाली है रमन तो बिन बुलाए मेहमान है वो तो वैसे ही रहेंगे साथ में उनकी हेल्प तो होगी होगी मॉरल सपोर्ट हर फादर का इम्पोर्टेंट होता है हर फैमिली के लिए सो उनका वो मॉरल सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा हमारे साथ जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे इशिता और रूही के इस ट्रैक में आगे कुछ और ट्विस्ट क्या आने वाला है ट्रैक में ट्विस्ट तो पता नहीं क्या होगा लेकिन आई थिंक एनी कल्चरल एक्टिविटी विद योर किड्स इज फन तो यू मस्ट वॉच दिस एपिसोड क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है मेरा और रूही का एक साथ पार्टिसिपेट करते हुए क्या बोल रही हूँ मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है जब मैं और रूही एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जब भी माँ और बच्चे साथ में मिलकर कुछ करें तो मज़ा ही आता है सो इवन यू मस्ट वॉच इट